अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी ज़ैद एंड वेलकम टू ज़ेड वर्सेस टेक। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कंपैरिजन करने वाले हैं दो मिड बजट डिवाइसेस का, जिसमें मेरे पास एक अवेलेबल है वीवो V20 और जो दूसरी डिवाइस है वो है सैमसंग की तरफ से न्यूली लॉन्च की गई डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी A52। अगर A52 की प्राइस की बात की जाए तो इसकी जो ऑफिशियल प्राइस रखी गई है वो है 57,999 रुपीज़। अगर बात की जाए V20 की प्राइस, तो इसकी प्राइस में थोड़ा सा कट भी आप लोगों को डिस्काउंट भी देखने को अभी मिल रहा है। लाइक ये 60,000 रुपीज़ इसकी प्राइस थी, अभी इसकी जो प्राइस हो चुकी है वो है 55,000 रुपीज़। अब ये कंप्लीट रिव्यू मैं आप लोगों को इसलिए इनका कंपैरिजन दे रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग के लिए राइट ऑप्शन कौन सा है। अगर आप लोग जो है परफॉर्मेंस देखते हुए परचेज करना चाहते हैं तो कौन सी डिवाइस है, अगर आप लोग कैमरा के लिए आज से कोई डिवाइस परचेज करना चाहते हैं इन दोनों में से, तो कौन सी डिवाइस आप लोग के लिए एक बेटर ऑप्शन है, या ओवरऑल दोनों में से कौन सी डिवाइस जो है वो बेटर निकल के आती है। तो ये कंप्लीट रिव्यू आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग दोनों में से कोई डिवाइस जो है वो परचेज कर रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन में क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि आपको ऐसी ही मजेदार वीडियो की अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। तो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं इन दोनों के डिजाइन से। अगर बात की जाए वीवो V20 की, तो बैक साइड पे उसमें मिलता आप लोगों को एक ट्रिपल कैमरा सेटअप, साथ में मिलते हैं आप लोगों को एक मैट फिनिशिंग में ग्लास पैक, जो कि आप लोगों को काफ़ी हद तक जो है वो स्क्रैच रेजिस्टेंस है, मतलब कि स्क्रैचेस आ भी जाएँ तो वो जो है वो उसको एब्जॉर्व कर लेती है, लाइक स्क्रैचेस जो है उस पर विजिबल नहीं होते। साथ में आप लोग इसकी एल्यूमिनियम साइड, इसमें प्लास्टिक के फ्रेम्स देखने को मिलते हैं। फ्रंट साइड पर आप लोग कोनिंग गोरिल्ला ग्लास 3 की सपोर्ट मिलती है। अगर बात की जाए डिज़ाइन लैंग्वेज के लिहाज से A52 की, तो इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है इसमें आप लोगों को क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और साथ में आप लोगों को मैट फिनिशिंग में प्लास्टिक बैक मिलती है। अब बैक साइड्स के डिज़ाइन की बात की जाए तो मुझे जो है वो अपना डिज़ाइन में अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है आप लोगों को पसंद आए, ये आप लोगों को पसंद आए कोई दोनों में से कौन सी V20 आ सकती है A52, तो मुझे डिज़ाइन लैंग्वेज में बैक साइड से जो इसका डिज़ाइन है वो प्रीमियम लगता है वो है V20 का। इसका जो कि इतना ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन नहीं लगता क्योंकि इसकी टोटली बैक जो है वो प्लास्टिक में मिलती है, इसका इंक्लूडिंग फ्रेम बम्प भी आप लोगों को प्लास्टिक मटीरियल में मिलता है। उसके बाद बात की जाए इसके फ्रेम्स की, तो इसका जो फ्रेम है वो आप लोगों को एल्यूमिनियम मिलता है जबकि इसमें प्लास्टिक में मिलता है, उसको इसका फ्रेम जो है वो काफ़ी अच्छा है। फ्रंट साइड पे आप लोगों को कोनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 की सपोर्ट देखने को मिलती है। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी को देखा जाए तो ऑलमोस्ट दोनों की बिल्ड क्वालिटी सेम है, उसमें ग्लास पैक मिलती है, इसमें प्लास्टिक बैक मिलती है, उसमें फ्रेम प्लास्टिक है, इसमें एल्यूमिनियम पे के फ्रेम है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे बिल्ड क्वालिटी से दोनों जो है वो कौन सी दोनों में से बेटर है। अब बात करते हैं इन दोनों की डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में देखा जाए तो V20 में आप लोगों को एक मिलती है 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस 1080p रेजोल्यूशन पे एक ड्रॉप नॉच डिस्प्ले, जो कि आप लोगों को 60Hz का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करती है। लाइक इसमें आप लोगों को हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता। और उसके बाद इसके डिस्प्ले में मुझे एक प्रॉब्लम देखने को लगी कि इसमें आप लोगों को ड्रॉप नॉच मिलता है, थोड़ा सा ओल्ड डिज़ाइन है। और वहीं बात की जाए डिस्प्ले की गैलेक्सी A52 की, तो इसमें आप लोग को मिलती है 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस 1080p रेजोल्यूशन पे एक डोटिन सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आप लोगों को प्रोवाइड करती है 90Hz का रिफ्रेश रेट। अब लाइक इसमें कोई भी किसी किस्म की भी बहस नहीं है कि आप लोगों को गैलेक्सी A52 की डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव मिलती है। इसमें एमोलेड डिस्प्ले है, इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और साथ में 90Hz का रिफ्रेश रेट भी आप लोगों को मिलता है। अगर बेजल्स की बात की जाए तो बेजल्स दोनों डिवाइसेस के आप लोगों को थिक देखने को मिलते हैं, दोनों के थिक नहीं है। अगर वेट की बात की जाए तो इस डिवाइस का काफ़ी कम वेट है, 171 ग्राम इस डिवाइस का वेट है, काफ़ी लाइट डिवाइस है। इसमें 189 ग्राम इस डिवाइस का जो कि वो वेट रखा गया है। उसके बाद आप लोगों को दोनों में अच्छी ब्राइटनेस देखने मिलती है। अगर बात की जाए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की, क्योंकि इसमें आप लोग को एमोलेड मिलती है तो ये भी इन डिस्प्ले में है, इसमें आप लोग को सुपर एमोलेड मिलती है तो ये भी इन डिस्प्ले में है, तो इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर में थोड़ा सा डिले है, जबकि इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर V20 का काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। एक्यूरेसी की बात की जाए तो 852 का एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा आप लोग को अच्छी प्रोवाइड करता है। लाइक अगर इसको मैंने उल्टे हाथ से भी अनलॉक करना है ना तो ये डिवाइस जो कि वो अनलॉक हो जाएगी, जबकि ये इसको थोड़ा सा आप लोग को सेट करके अपना हाथ जो कि लगाना पड़ता है। इसमें थोड़ी सी मिसिंग भी देखने को मिलती है, फास्ट तो है लेकिन V20 में थोड़ा सा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि वो मिस भी कर जाता है। अगर आप लोग इन दोनों में से एक अच्छी डिस्प्ले वाली डिवाइस परचेज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप लोग के लिए एक A52 एक बेटर ऑप्शन है। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं इन दोनों डिवाइसेस के कैमराज की, तो V20 की बैक साइड पे आप लोगों को मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसका मेन कैमरा आप लोगों को मिलता है 64 मेगापिक्सल का। अगर बात की जाए गैलेक्सी A52 की, उसमें आप लोगों को क्वाड कैमरा सेट मिलता है लेकिन मिलता है आप लोगों को 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, दोनों में 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर लगाया गया है। V20 में आप लोगों को सेकंड सेंसर मिलता है अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर।
अब इसमें आप लोग को 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। लेकिन इसके जो मैक्रो कैमरा है वो इसका वाइड लेंस ही इसका मैक्रो क्लिक्स कर लेता है, काफ़ी बेटर क्लिक्स करता है। फ्रंट साइड पे आप लोग को V20 में 44 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है, जबकि इसमें आप लोग को 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। इन दोनों का कैमरा कंपैरिजन मैंने अपलोड कर दिया है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। उसको अगर मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूँ एक एक चीज़ को तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इन शॉर्ट आप लोग को कुछ इसके रिजल्ट्स बता देता हूँ कि इसमें आप लोग को जो लो लाइट इमेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। अगर इन दोनों डिवाइसेस में आप लोग कैमरा को देखते हुए कोई डिवाइस परचेज करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग के पास कुछ इस तरह से ऑप्शन है कि अगर आप लोग कुछ अनरियल और ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्लिक करना चाहते हैं तो आप लोग V20 को परचेज कर सकते हैं। अगर आप लोग रियलिटी को ज़्यादा पसंद करते हैं कि आप लोग जैसे हैं उसमें ही ज़्यादा डिटेल आ जाए आप लोगों को, तो आप लोग के पास A52 ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। लाइक आजकल जो है वो कम लोग जो है वो रियलिटी को पसंद करते हैं, अच्छा रिजल्ट पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है वो ज़्यादा ब्यूटी को प्रेफर करते हैं कि हमारी पिक्चर जो है वो खूबसूरत आनी चाहिए, उसमें कलर जो है वो अननेचुरल हो भी जाए लेकिन ये है कि ब्यूटीफुल आने चाहिए। तो आप लोगों के पास V20 कैमरा के लिहाज से एक अच्छा ऑप्शन है रियलिटी बेस A52। तो ये चॉइस आपकी है, तो मैंने आप लोगों को ये अपना ओपिनियन बता दिया है। और इसके बाद अब बात करते हैं इन दोनों डिवाइसेस की परफॉर्मेंस की। दोनों में आप लोगों को सेम चिपसेट देखने को मिलता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का, जो कि 8 नैनोमीटर फैब्रिकेशन बेस्ड चिपसेट है। अब मिड रेंज में ये चिपसेट जो है वो काफ़ी अच्छे से प्ले कर रहा है, लाइक काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट चिपसेट है। दोनों में आप लोगों को 8GB की रैम मिलती है, 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। दोनों डिवाइसेज में एंड्रॉयड 11 की सपोर्ट मिलती है इनको डिफरेंट यूजर इंटरफेस के साथ। इसमें आप लोग को कोई स्टूडियो साउंड नहीं मिलता, इस डिवाइस में आप लोग को स्टूडियो साउंड भी मिलता है। इसमें आप लोग को 3.5mm का जैक मिलता है, इसमें भी आप लोग को दोनों में 3.5mm का जैक मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक एडिशन चीज़ ये है कि ये डिवाइस आप लोग को वाटरप्रूफ भी देखने को मिलती है, IP67 की रेटिंग प्रोवाइड करती है। ये डिवाइस पानी में गिर जाए तो सर्वाइव कर सकती है, ये गिर गई तो इसका कोई नहीं है कि हो भी सकता है सर्वाइव, नहीं भी हो सकता, क्योंकि इसमें आप लोगों को किसी किस्म की रेटिंग देखने को नहीं मिलती। अगर बात की जाए इन दोनों की हीटिंग की, तो दोनों में आप लोगों को हीटिंग इशू नहीं मिलता। दोनों डिवाइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप लोगों को अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। गेमिंग की बात की जाए तो गेमिंग ओबियसली आप लोगों की ज़्यादा बेटर A52 पे है, क्योंकि इसमें आप लोगों को 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलता है और फिर इसमें आप लोग को 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। पबजी इसमें भी प्ले किया है, मुझे किसी किस्म का इशू नहीं मिला, लेकिन ज़्यादा स्मूथर और ज़्यादा मज़े की गेमिंग आप लोग को A52 में देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी जो कि वो क्लियर क्लियर है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से विनर जो है वो हर चीज़ में A52 ही देखने को मिल रहा है। अब बात की जाए इनकी बैटरी की, तो आप लोग को V20 में 4000mAh की बैटरी मिलती है, साथ में मिलती है 33W की फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट। फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, उसका टेस्ट भी आप लोगों को जाके देख सकते हैं, चैनल पर किया हुआ है। अगर बात की जाए A52 की बैटरी की, तो 4500mAh की बैटरी के साथ 25W की फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट मिलती है। इस डिवाइस में थोड़ी सी बैटरी भी बिगर लगाई गई है, इसमें थोड़ी सी छोटी बैटरी लेकिन फास्ट चार्जिंग, इसमें थोड़ी सी बड़ी बैटरी लेकिन इससे कम फास्ट चार्जिंग, जो कि आप लोगों को सैमसंग 25W की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है, उससे ज़्यादा वो प्रोवाइड ही नहीं करता किसी स्मार्टफोन को। तो इसमें हाई एंड जो कि उनके पास फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट थी वो इस डिवाइस पे लगाई गई है। फिर इसमें आप लोग को बॉक्स इंक्लूडेड 50W का चार्जर मिलता है, आप लोग चाहें तो सेपरेटली परचेज कर सकते हैं, लेकिन 25W ये सपोर्ट करती है डिवाइस। बैटरी के लिहाज से भी देखा जाए तो ये डिवाइस जो कि वो अच्छी है, थोड़ी सी लेट चार्ज हो जाती है लेकिन बैटरी बैकअप आप लोगों को काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करती है। और अब इसमें आप लोगों को 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं, इस डिवाइस में आप लोगों को 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं, इसके 4 और इसके 3 दोनों काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कलर्स हैं, आप लोग कौन सा भी चाहें परचेज कर सकते हैं। अब फाइनली बात की जाए कि दोनों में ओवरऑल आप लोगों के लिए मेरा जो ओपिनियन है कि कौन सी डिवाइस परचेज की जाए, तो मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को कहूँगा गैलेक्सी A52 आप लोगों के लिए एक राइट ऑप्शन है, वैल्यू फॉर मनी है। 54,000 के करीब जो कि वो ऑफलाइन मार्केट में ये आप लोगों को मिल जाएगी, तो काफ़ी इंप्रेसिव प्राइस भी है इसकी। और अभी लॉन्च की गई है 2021 में, ये 2020 की डिवाइस है और ये 2021 की डिवाइस है। तो आप जो है वो मेरे ख्याल से गैलेक्सी A52 को परचेज करना चाहिए। अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है इन दोनों के कंपैरिजन से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे उसके बारे में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को इन दोनों में कोई चीज़ एडिशन करनी पड़े तो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों में आप लोगों को कौन सा डिफरेंस देखने को लगा। मैंने कोशिश की है कि दोनों को अच्छे तरीके से कवर किया जाए, आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन जो कि मैं चूज़ करूँ, आप लोगों की जो पैसे हैं वो कहीं ज़ाया ना हो अगर आप लोग दोनों में से कोई भी टाई आए को। लेकिन यह कैमरा लिहाज से अनरियल पिक्चर्स और ब्यूटीफुल पिक्चर्स अगर आप लोग क्लिक करना चाहते हैं तो ये है, अगर आप लोग रियलिटी बेस्ड पिक्चर्स क्लिक करना चाहते हैं तो ये आप लोग के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूँ आज का कंपैरिजन जो आप लोग को पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, और
चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। काफ़ी मेहनत से वीडियो जो कि वो बनती है, बेल आइकन में क्लिक करके आप नोटिफिकेशन भी क्लिक कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। और काफ़ी ज़्यादा इन कंपेरिजन, काफ़ी ज़्यादा नए मोबाइल्स की अनबॉक्सिंग चैनल पर आप लोग को जल्दी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना। यू वॉचिंग दैट वर्सेस टेक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।